हॉलीवुड की फिल्म देखते होंगे तो इस तस्वीर को देख के आपको कुछ ना कुछ तो समझ जरूर आ रहा होगा। अगर नहीं देखे भी होंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। टाइटैनिक एक फिल्म आई थी हॉलीवुड की, उसको आप सभी देखे होंगे, और उसमें एक बहुत बड़ा पानी जहाज़ होता है जो समुद्र के बीचों बीच डूब जाता है। उसी थीम पर रायपुर में पंडाल बनाया जा रहा है, गणेश चतुर्थी के लिए तैयारी की जा रही है। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ कि इसको बनाया कैसे जा रहा है, क्या तैयारी की गई है, और इसको बनाने के पीछे कारण क्या है। इन सभी विषयों पर बातचीत करेंगे, और जो इस जय भोले समिति के लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है भी आपका? रोशन सागर। ये बताइए कि ये टाइटैनिक की तरह क्यों बना रहे हैं? ये 25वां वर्ष है हमारे गणपति पूजा का, तो कुछ नया करें ये सोचते हुए यह तैयारी चल रहा है। अच्छा। इसको बनाने में कलकत्ता से 16 कारीगर के द्वारा पिछले 25 दिन से रात और दिन मेहनत करके विभिन्न प्रकार का सामग्री का उपयोग कर लकड़ी, बांस, बत्ता, प्लाईवुड ये सब इस्तेमाल कर टाइटैनिक जहाज़ के नाव के रूप आकृति के रूप में यहाँ एक स्थल सजावट के रूप में बना रहे हैं। मैं ये भी जानना चाहता हूँ, आपने फिल्म देखी? जी। फिल्म कैसी लगी आप? फिल्म बहुत अच्छी लगी जी। अच्छा, तो इसीलिए आपने मन बना लिया कि ऐसा बनाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा इसके लिए नहीं, बस ये एक नया सोच था कि शहर में हमेशा कुछ ना कुछ पंडालें बनती है, मंदिर के स्वरूप में, किसी और के आकार में, आकृति में बनती है। तो हमने सोचा कि इस बार कुछ नया थीम और कुछ नया आकृति के रूप में बनाया जाए। तो यही सोचते हुए हम लोग टाइटैनिक जहाज की नाव के आकृति में एक नया पंडाल बनाने का प्रयास किए हैं, कोशिश किए हैं, ताकि ये लगे कि शहर वाले को अच्छा लगे और शहर में एक आकर्षण का केंद्र होगा मेरे हिसाब से। अच्छा। ये भी मुझे बताइए कि कितनी ऊंचाई होगी इसकी? इसकी ऊंचाई लगभग 60 फीट के आसपास है, और जो चौड़ाई है 105 फीट है। 105 फीट चौड़ाई, और ऊंचाई कितना बताए? 60 फीट। अच्छा, तो कितना विशाल ये टाइटैनिक जहाज़ की तरह पंडाल बनाया जा रहा है, अब देख के भी समझ सकते हैं कि 60 फीट की इसकी ऊंचाई है। और कारीगर कलकत्ता से बुलाए गए हैं जो लगातार पिछले 25 दिनों से काम कर रहे हैं। ये जो फ्रेम दिख रहा है ये प्लाई का है? पूरा प्लाई का फ्रेम है। अच्छा जी। तो क्या क्या इसमें लगा के बनाया जा रहा है, क्या क्या स्ट्रक्चर में लगा? जैसे टाइटैनिक जहाज जैसे था पूरा सेम वैसे ही बनाया जाएगा। अच्छा। जी, अभी बहुत कुछ बचा है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा जी। कितने दिन इसको बनाने में और लग जाएंगे? लगभग 6-7 दिन और लगेगा कंप्लीट होने में हम लोग। जी, गणेश चतुर्थी के ठीक पहले तैयार होगा? हो सकता है 1-2 दिन और एक्स्ट्रा लग जाए। अच्छा जी। हाँ, ये भी मुझे बताइए कि इस बार ये तो बड़ी तैयारी आप लोगों की हुई है, कोरोना पिछले 2 साल से था, हमने भी इसको झेला है, आपने भी इसको झेला है, कितना उत्साह इस बार नज़र आ रहा है आपको, कितना उत्साह आप लोगों के काम में दिख रहा है? इस बार बहुत ज़्यादा उत्साहित है, पूरे समिति के साथी और सभी पदाधिकारीगण बहुत ज़्यादा उत्साहित है, क्योंकि 2 साल तक कोरोना महामारी के चलते में जो पूजा पाठ करना चाहते थे वो कभी भी नहीं कर पाते थे, तो इस बार हमें बहुत खुशी मिल रहा है कि ये सब गाइडलाइन ख़त्म हो चुका है, कोरोना भी कम हो चुका है। तो बहुत धूमधाम से, बहुत खुशी से यहाँ पंडाल का निर्माण कर रहे हैं, और सभी साथी बहुत खुश है, पूरे जोश में इस बार की 2 साल तो हमने पूजा ही नहीं कर पाए ठीक से भगवान का, इस बार भगवान का सेवा करने का सौभाग्य मिला फिर से, तो पूरे दिलों जान से हम मेहनत करने में लगे हैं। अच्छा, ये भी मुझे बता दीजिए कि कितना खर्चा आ रहा है? खर्चा का तो ऐसा है कि जब तक समिति के सभी लोग बैठ के उसका डिसाइड नहीं करते मैं अभी आपको खर्चा बता ही नहीं सकता। हाँ। क्योंकि जो हमारी कमेटी के जो सदस्य हैं, हाँ, वो बैठेंगे, कितना आया कितना गया ये सब होने के बाद ही हम आपको खर्चा बता दें, जोड़ तोड़ के तय करना पड़ेगा। लेकिन ये मान सकते हैं कि लाखों रुपए का खर्च है? हाँ जी, ये तो मान सकते हो आप, लाखों का खर्चा यह दिख रहा है आपको। इसमें हमारे आदरणीय वार्ड के जो हमारे पार्षद और शहर के जो महापौर जी हैं, हाँ, राज जेवर जी, हाँ, उनका विशेष सहयोग रहता है, और साथ में हमारे आदरणीय बड़े भैया जी, हाँ, परमानंद सिंह जी, हाँ, उनका भी विशेष सहयोग रहता है, और हमारी समिति में 350 सदस्य हैं, 350 सदस्य के सहयोग से, और पूरे रायपुर शहर के चारों विधानसभा से हमारे साथ कार्यकर्ता आने के लिए सुबह शाम दिन रात काम में लगे रहते हैं। हाँ, कम से कम 18 घंटा डेली का काम चलता है। अच्छा, देखिए इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए आपको 18 घंटे का वक्त, ये बता रहे हैं कि 18 घंटे रोजाना इसमें वक्त लग रहा है तभी इतना बड़ा स्ट्रक्चर यहाँ तैयार किया गया है। और जो इसका बॉडी आप देख रहे हैं प्लाई से बना हुआ है, और इसमें एक दर्जन से अधिक कारीगर लगातार काम कर रहे हैं, तभी ये टाइटैनिक की तर्ज पर ये पंडाल तैयार किया जा रहा है, और अभी भी 5 से 7 दिन और इसमें वक्त लग सकते हैं, और उसके बाद ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा, और टाइटैनिक के तर्ज पर ही आपको ये पंडाल दिखेगा,
और अक्सर देखने को मिलता है रायपुर शहर में कि अलग अलग जो गणेश चतुर्थी वाले समूह होते हैं वो सभी समिति अलग अलग आकर्षक पंडाल बनाते हैं। इस बार टाइटेनिक की तर्ज पर जो पंडाल बनाया जा रहा है काफ़ी आकर्षक है। रायपुर से बीपी न्यूज़ के लिए रवि मेरी।